जोशीमठ आपदा को लेकर राज्य सरकार चिंतित नजर आ रही है। सरकार ने तत्परता दिखाते हुए अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि अब तक 68 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। वहीं राहत और बचाव कार्यों के साथ साथ जाँच सर्वे के कार्य भी तेज किए गए हैं, जिसमें पुनर्वासन को लेकर ACS वित्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी, जिसका रोजाना समीक्षा मुख्य सचिव करेंगे। आपदा सचिव ने कहा कि सभी एक्सपर्ट जांच कर इसकी रिपोर्ट 1 माह के भीतर देंगे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज 12 बजे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जितने भी हमारे विभाग हैं लाइन डिपार्टमेंट के, जो उससे जोशीमठ आपदा से संबंधित जिनका काम होना है या हो रहा है, उन सब की बैठक की गई। मुख्य सचिव महोदय के बैठक में कुछ निर्णय लिए गए जो निम्नानुसार हैं। पहले वहाँ जो अभी राहत कार्य चल रहे हैं, उसमें आप लोग को मालूम ही होगा 603 परिवार घरों का चिन्हीकरण किया गया जिसमें दरारें हैं, और ये सर्वे का काम चल रहा है। नंबर बढ़ सकता है आगे। अभी 68 परिवारों को सुरक्षित बाहर पहुंचाया गया है। इसके अलावा कुछ परिवार, 38 परिवार ऐसे हैं जो कि किराए पर बाहर रह रहे हैं, तो उनको हम किराया देना, जो आप जिससे कि अवगत हैं।